एवरीवन, इस वीडियो में हम भारत की राज्य व्यवस्था के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। पीसी ऑनलाइन परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। ये ऊपर वाले प्रश्न की ही व्याख्या है, क्योंकि संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 1950 से यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण दिया गया है आर। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, और आर क्या बोलता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको यहाँ सही विकल्प देखना है। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये तो सही है, ठीक है। नहीं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में इस वजह से नहीं मनाया जाता कि लागू इस दिन हुआ है, ठीक है। तो यह इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों कथन सही है हमारे। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था दिसंबर 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने का संकल्प लिया गया। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। देखिए, यह कानून के शासन को विधिवद्ध करता है, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह राष्ट्र के नियमों की पुस्तक है, यह मौलिक राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर, आपको असंगत देखना है। तो भारत का संविधान कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह असंगत है, ठीक है। कानूनी रूप से इसको प्रभावी बनाया जाता है, ये कानूनी दस्तावेज है। देखिए, ये कानून के शासन को विधिबद्ध करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्र के नियमों की पुस्तक है, सही है। मौलिक राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है, यह भी सही है हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है, जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार कार्य करती है। यह संविधान देश में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की व्यवस्था तथा उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये कानूनी आलेख है, और इसके अंतर्गत देश की सरकार कार्य करती है, इसको फॉलो करते हुए, और जो भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था है, उनके अधिकार और दायित्व हैं, उनको सुनिश्चित किया जाता है। आगे देखते हैं। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो 22 जुलाई 1947 को, ये डेट है 22 जुलाई 1947, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इसकी व्याख्या देखिए। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं, और ध्वज की लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2, ठीक है। ध्वज की लंबाई और ध्वज की चौड़ाई का अनुपात है 3:2 का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच कितना अनुपात होना चाहिए। तो हमने अभी अभी देखा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं। तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगणमन भारत का राष्ट्रगान है,
ठीक है। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की है और बांग्ला भाषा में इसको रचित है, ये बांग्ला में। इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जो इसका हिंदी संस्करण है वह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। जबकि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। तो हमारा जो राष्ट्रगान है वो तो है जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचना की है, मूल रूप से बांग्ला में रचित है। इसका हिंदी वर्जन जो लिया है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। और वंदे मातरम क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। जनगण मन तो है राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, और इसकी रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, देखिए शासक राजा या रानी होते हैं, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ये देखिए, राज्य का प्रमुख उसके लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका तात्पर्य क्या होता है कि भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वह निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत, ठीक है। भारत गणतंत्र है मतलब भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। तो देखिए हमारा आंसर होगा भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है और बहुत विस्तृत है, ठीक है। तो विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में, जो लोकतंत्रवादी प्रजातंत्रवादी देश हैं, उसमें भारत का संविधान सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है। देखिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, ठीक है, प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है अमेरिका का। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं पंचायती राज। तो देखिए मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के किस में शामिल किए गए हैं, तो मूलभूत अधिकार यानी जो मौलिक अधिकार है वो हमारे अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में शामिल किए गए हैं, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। देखिए धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करना अनुच्छेद 15, सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ऐसा मूलभूत अधिकार जो भारत के नागरिकों और विदेशियों सबको उपलब्ध है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दिया गया है ये। देखिए अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं, उन धार्मिक स्वतंत्र संस्थाओं को दी गई है जो धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई है। यह अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, यद्यपि उक्त अधिकारों पर राज्य द्वारा लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जो अनुच्छेद 26 के द्वारा धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता है वह किन को दी गई है, भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार और देश की रक्षा का अधिकार। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो हमारा आंसर होगा देश की रक्षा का अधिकार, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार, और समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। देखते हैं इसका व्याख्या देख लीजिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार,
और अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार प्रदत्त किया गया है। ये तीनों मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं, जबकि रक्षा का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। देश की रक्षा मूल कर्तव्य है, ठीक है। देश की रक्षा क्या है? मूल कर्तव्य है, जो कि संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के खंड घ में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्या आंसर होगा आपका इसका? देखिए, इसमें चारों ही अधिकार क्योंकि मूलभूत अधिकार हैं। देखिए, निजता का अधिकार एवं जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार हैं, ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की प्रकृति बहुत व्यापक है और इसके अंतर्गत बहुत से अधिकार समाहित हैं, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्वचनों द्वारा स्पष्ट किया है। इनमें कुछ नियम हैं, देखिए, बंधित श्रमिक ना बनाए जाने का अधिकार, क्योंकि हमें दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो बंधित श्रमिक ना बनाए जाने का अधिकार, नीरजा चौधरी वर्सेज MP का मामला है ये, स्टेट ऑफ MP। फिर है विदेश यात्रा का अधिकार, सतवंत सिंह केस में। प्राइवेसी का अधिकार, गोविंद वर्सेज MP। नेक्स्ट देखते हैं, समानता का अधिकार 14 से 18 में और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे क्या चारों ही ऐसे दे दिए, क्योंकि मौलिक अधिकार है तो इसमें ये एग्जाम में ही इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि चारों ही ऑप्शन इसके आंसर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और वैयक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो जीवन जीने की जो सुरक्षा का अधिकार है, वैयक्तिक स्वाधीनता है, वो राइट टू लाइफ में आएगी, अनुच्छेद 21 में। देखिए, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन सा अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 में देखिए, अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा, मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा या धार्मिक आधार पर कर निषेध। तो हमारा आंसर होगा आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात करता है। देखिए, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। क्या बोला है कि मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो हमने USSR से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। मैंने एक ट्रिक का भी वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ से, वॉल आउट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से वीडियो है, तो आप सब देख सकते हैं, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कि कौन सा फीचर किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट देखते हैं, मूल कर्तव्य, देखिए इसकी व्याख्या, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, ठीक है। जो 51 क है उसको बाद में जोड़ा गया है, ये मूल जो अंगीकृत संविधान है उसका भाग नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? तो आपका आंसर होगा 11। देखिए क्या कह रहे हैं, द्वारा देखिए, संविधान का जो भाग 4A अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्य को सूचीबद्ध करता है। तो जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2002 में आया है, उसके बाद कितने मूल कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? तो हमारे टोटल जो मूल कर्तव्य हैं वो हैं 11, ठीक है। देखिए व्याख्या, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इनकी कुल संख्या 10 थी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, कौन सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा जोड़ा गया था, भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क। समिति का नाम क्या था, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। कुल संख्या कितनी थी, जब 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया तो मूल कर्तव्य हमारे कितने थे, 10 थे। उसके बाद हमारा ये जो 42वां संविधान संशोधन आया वो कब आया, 1976 में आया था, ठीक है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2002 में,
तब क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन जब आया तो 2002 में आया था, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा, यह हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षित किया जाए। तो इस प्रकार प्रत्येक माता पिता का इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं, उनमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वे राज्य के बुनियादी दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों में भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उनका उसका समावेश है। दिए गए अनुच्छेद से कौन सा निष्कर्ष निकलता है, मौलिक अधिकार मात्र हक हैं और लागू करने योग्य नहीं है, निर्देशक सिद्धांत एक नागरिक के हक हैं और लागू करने योग्य हैं, ये गलत है। निर्देशक सिद्धांत दायित्व हैं जो कि राज्य को पूरा करने से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा सी यहाँ पर सही होगा, निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को रद्द कर देते हैं, ये भी रॉन्ग है। निर्देशक सिद्धांत दायित्व हैं जो कि राज्य को पूरा करने से संबंधित है। देखिए इसकी व्याख्या, व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि हमारा संविधान सामाजिक क्रांति का प्रभावी मार्गदर्शक बने। इस आशय की पूर्ति हेतु भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का समावेश किया गया। अनुच्छेद 37 घोषणा करता है कि निदेशक तत्व देश के शासन के मूल आधार हैं और विधि बनाने में इनका समावेश राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, जो अनुच्छेद 37 है हमारा, आर्टिकल 37 घोषणा करता है कि जो निदेशक तत्व हैं वो देश के शासन के मूल आधार हैं और विधि बनाने में इनका समावेश राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या है, क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र के लिए और विकास करने के लिए जो पंचायती राज संस्थाओं का पुनः स्थापन करना है उनके लिए राजीव गांधी के द्वारा 1986 में गठित समिति कौन सी है, ML सिंधवी समिति। ठीक है, लोकतंत्र के लिए और विकास के पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम था LM सिंधवी समिति। देखिए, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में डॉक्टर LM सिंधवी समिति का गठन किया गया, जबकि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में और GVK राव समिति 1985 में गठित की गई। ठीक है, 1986 में डॉक्टर ML सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में और GK राव समिति 1985 में गठित की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, करना। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या हैं, ये वैसे क्या हैं हमारे, ये आम चुनाव में मतदान करना इसमें नहीं आएगा। देखिए, ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी बात यहाँ की गई है। भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्य, यहाँ मूल कर्तव्यों की बात की गई है। ठीक है, भाग 4A अनुच्छेद 51A को जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। विकल्प वी मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि अन्य सभी मौलिक कर्तव्य के अंश हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना, तो अप्रैल 2010 हमारा आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना था अप्रैल 2010 में। व्याख्या देखिए,
संविधान का जो 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग थर्ड में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया 2009 में, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना, तो ये जब एक्ट आया था पति, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए नए नए अपडेट्स लेने के लिए। थैंक यू।